नाउ so स्टूडेंट्स uh, हमने अभी ये देखा कि पे पाल होलिस्टिकली है क्या नाउ मूविंग फॉरवर्ड आसान लफ्जों में जो जो पे पॉल है इट इज लाइक अ वॉलेट यानी जो वॉलेट हम लोग मैं और आप कैरी करते हैं जो कि फिजिकल वॉलेट होता है अगर मैं इससे अग कंपेयर करूं तो जो पे पॉल है वो एक डिजिटल वॉलेट है अब मेरे और आपके वॉलेट में क्या होता है डिफरेंट क्रेडिट कार्ड होते हैं ए टी एम कार्ड होते हैं आई I मीन mean, वो ये चीजें हैं जो पे और कैश होता है और पेमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं एंड देन वी हैव सर्टन अदर थिंग्स सो इफ यू कंपेयर पे पॉल विद फिजिकल वॉलेट कॉन्सेप्ट इसका भी वही है कि आपके पास एक आ, एक बॉक्स है कह लें उस बॉक्स के अंदर आपके आपकी क्रेडिट uh, कार्ड की इंफॉर्मेशन डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मास्टर कार्ड है बैंक की डिटेल्स हैं वो वो सारी की सारी आपने एक अकाउंट से लिंक कर दिए और वो आपका पेपाल का अकाउंट है व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू इसका मतलब ये है कि हर उस जगह जहां पे पेपाल एक्सेप्ट हो रहा है जो कि हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स हैं वहां पे आप पेपाल आप को यूज कर सकते हैं मतलब इसका यह है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि आप पेपाल को यूज कर सकते हैं तो जो आपकी डिफरेंट आपके पास ऑप्शन थी यानी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बैंक डिटेल एंड सो ऑन वो क्योंकि आपके पेपाल अकाउंट से लिंक थी तो इफेक्टिवली आप हर उस जगह अपनी बैंकिंग अपनी अपनी पेमेंट की ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं जहां पे पेपाल यूज हो रहा है मतलब इट्स वेरी वेरी इजी इट्स वेरी वेरी सिंपल आसान लफ्जों में अगर मैं जो जो पेपाल की वर्किंग है उसको मैं अगर स्प्लिट कर दूं दो हिस्सों में एक तो वर्किंग वो है जो एज बायर हमें डिस्कस करनी है बायर मीन मैं फॉर एग्जांपल कोई चीज परचेस कर रहा हूं ऑनलाइन तो उस केस में क्या करना पड़ता है यानी उस केस में पेपाल कैसे काम करता है जो कि मेजर फोकस है दूसरा है सेलर कि जो कोई चीज बेच रहा है उसको क्या बेनिफिट है इसका तो हम पहले देखते हैं कि बायर यानी मैं और आप किसी वेबसाइट पे गए लेट सपोज एमेजॉन पे गए तो उस पर हमें क्या फैसिलिटी है मतलब क्यों हम पेपाल को यूज करें नंबर वन जो अब जो पेपाल है वो क्योंकि एक डिजिटल वॉलेट है उसके अंदर यानी उस अकाउंट में आप समझें कि मैंने अकाउंट क्रिएट किया पेपॉल में वो हम देखेंगे अभी कैसे क्रिएट करते हैं उस अकाउंट के साथ मैंने अपनी बैंक की डिटेल्स फाइनेंशियल डिटेल्स क्रेडिट कार्ड नंबर डेबिट कार्ड नंबर उसकी एक्सपायरी सी एस नंबर मैंने लिंक कर दिया तो इससे मुराद ये है कि मैं हर उस जगह अपनी हर वो पेमेंट डिटेल या पेमेंट ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता हूँ जो पेपर अनेबल्ड पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं एंड द गुड थिंग इज के जो पेपल वाले हैं वो आपकी जो बैंकि डिटेल्स हैं या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं वो वेंडर से शेयर नहीं करते मतलब मैं एज अ बायर किसी वेबसाइट पे गया मैं जहां पे चूज करता था कैश ऑन डिलीवरी वहां मैंने सिर्फ चूज करना है पे पॉल दिस इज इट और उस पेपाल के बाद मैंने वो वो पेमेंट का तरीका चूज करना है जो मेरा प्रेफरेबल है मतलब हो सकता है कि मैंने पेपॉल में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट मल्टीपल मतलब पेमेंट के जरिए लिंक की हो तो आई कैन चूज फ्रॉम दिस पेमेंट तो इसका मतलब है कि मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को शेयर किए बगैर विद द वेंडर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूं अब लॉजिकली या असूलन तो जो वेंडर है वो क्रेडिट uh, कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते लेकिन आई मीन यू नेवर नो तो उसके बाद के अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक बारी अपना शिपिंग एड्रेस स्टोर कर दिया पेपाल में कि मैं मैं किस एड्रेस पे अपने प्रोडक्ट को शिप करवाना चाह रहा हूँ तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल छः सात आठ जगह डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर शॉपिंग कर रहा हूँ मुझे हर वेबसाइट में अलग से शिपिंग एड्रेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं है मतलब जहाँ मैंने एक बार ही पे में ऐड कर दिया अब वही एड्रेस मेरा बार बार यूज़ होगा मुझे बार बार शिपिंग एड्रेस ऐड नहीं करना यानी यू कैन इमेजिन द ईज विच आई एम गेटिंग अंडर वन अमरेला आई एम गेटिंग यानी एक ही अकाउंट के जरिए मैं मल्टीपल तरीके से पेमेंट कर सकता हूं बार बार मुझे शिपिंग एड्रेस देना नहीं है एंड द गुड थिंग लास्ट थिंग कि जो पेपॉल है इट इज परचेज प्रोटेक्शन मतलब ये सिक्योर है यानी आप ये समझें कि जहां मैं दस जगह अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा था वहां पे ज्यादा चांस है आप समझे डाटा को हैक करने का या डाटा कॉम्प्रोमाइज होने का वर्सेस आई एम गिविंग माय क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन एट ओनली वन प्लेस तो दिस इज सिंगल पॉइंट विच आई हैव टू सिक्योर यानी मुझे एक जगह सिर्फ एक बार इंफॉर्मेशन देनी है देन आई विल स्टार्ट री यूजिंग इट तो बहुत बड़ी ईज है बहुत बड़ी सिक्योरिटी है सो दिस इज हाउ फ्रॉम द बायर साइड पेपाल वर्क नाउ कम द अदर साइड सैलर सैलर का भी वही तरीका होता है कि सैलर को पहले अपने आपको जैसे हम बायर को अपने आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है पेपाल में बिल्कुल वैसे ही सैलर को रजिस्टर करवाना पड़ता है पेयपाल पर फर्क सिर्फ यह है कि, uh, कि जो सैलर है उसके लिए कुछ एडिशनल स्टेप्स होते हैं क्योंकि सेलर से मुराद फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है तो उसके कुछ एडिशनल स्टेप्स होते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होता है और जो पेमेंट है वो इस इस टर्म में भी है कि यू जस्ट नीड ईमेल एड्रेस नंबर वन नंबर टू के जिस अकाउंट में फॉर एग्जांपल आपके पेपाल अकाउंट में आपकी पेमेंट आ गई तो आप इसको किसी बैंक से भी लिंक कर सकते हैं या किसी बैंक में जाके आप पेपाल की अमाउंट को विड्रॉ भी करवा सकते हैं इट इज सुपर इजी एंड लास्ट थिंग कि आपका पेपल अकाउंट एज अ वेंडर मैं बात कर रहा हूं कि आपका या एज अ सेलर बात कर रहा हूं कि आपका अकाउंट तो पेपॉल में बन गया लास्ट थिंग इज के गो बैक टू द पेमेंट गेटवे कॉन्सेप्ट एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसर है यानी इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर शॉपिंग कार्ट मीन कि आपको पे को भी इंटीग्रेट करना है एट द एंड ऑफ द डे इन योर शॉपिंग कार्ट अदरवाइज पेमेंट गेटवे में आपका जो पे पाल है वो नजर नहीं आएगा सो लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हाउ अ ट्रांजेक्शन वर्कस वेन योर शॉपिंग इज पे पाल अनेबल्ड सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस पिक्चर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली सो जो स्टेप नंबर वन है आप समझे कोई एक यूजर है मैरी एन उसने एक स्वेटर फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग कार्ट में ऐड किया उसके बाद शॉपिंग उसने कंप्लीट कर ली उसने फॉर एग्जाम्पल चेकआउट पे अब क्लिक किया जो हम किसी भी नॉर्मल वेबसाइट पे करते हैं आफ्टर चेकआउट उसने क्लिक किया नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर एक्चुअली यू शुड नो के वेयर पे कम्स कम अब ये ऑप्शन जो स्टेप नंबर थ्री है इसमें अब अब पेमेंट ऑप्शन देखें एक तो वीजा आ रहा है और दूसरा आ रहा है चेकआउट विद पे पॉल नाउ यू कैन इमेजिन के जो पे है इट इज एक्चुअली एन ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म एग्जाम्पल अवीजा है या मास्टर कार्ड है मूविंग फॉरवर्ड इफ यू गो टू स्टेप नंबर फोर वहां से अगर पेपाल को सिलेक्ट किए देन यू हैव एन ऑप्शन ऑन स्टेप नंबर फोर सो और स्टेप नंबर फोर आपके पास अब पेपाल में ऑप्शन है कि आप किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं मतलब कि आपके जो एक पेपाल अकाउंट है उसमें भी एक क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जाम्पल आपका लिंक हो सकता है डेबिट कार्ड हो सकता है बैंक अकाउंट हो सकता है पेपाल क्रेडिट एक चीज है वो हो सकती है तो यू कैन चूज फ्रॉम योर पेपॉल प्रेफर्ड मेथड ऑल्सो मूविंग फॉर्वर्ड जब आपकी पेमेंट कन्फर्म हो जाएगी यानी जब आपकी परचेस कन्फर्म हो जाएगी नाउ योर पेमेंट प्रोसेसिंग इज कंप्लीट एट स्टेप नंबर फाइव फ्रॉम द बायर व्यू पॉइंट सो एट स्टेप नंबर सिक्स जो पेपॉल है वो अब नोटिफाई करेगा सेलर को यानी अब आप देखें कि जो क्लाइंट है उसकी साइड से ट्रांजेक्शन स्टेप नंबर फाइव में कंप्लीट हो गई है अब आता है सेलर साइड अब जो पेपाल है वो सेलर को नोटिफाई करेगा जब उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और वो पैसे रिसीव हो चुके होंगे नंबर वन नंबर टू जो सेलर है स्टेप नंबर सेवन में वो भी तो पैसे रिसीव कर सकता है यानी जब सेलर पैसे रिसीव करेगा तो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया और फिर अब पैसे रिसीव होने के बाद जो क्लाइंट है जो मैरी है उसको एक ईमेल चली जाएगी कि जी ऑर्डर इन प्रोग्रेस है एंड दिस इज इट अब ये इस पूरी सिचुएशन में मुझे ना अपना डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन दोबारा देनी पड़ी है ना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दोबारा देनी पड़ी है ऑल आई नीड अ वन वैलिड ईमेल एड्रेस ऑन पेपाल जो कि मैं पे 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 विद पेपाल दूंगा एंड दिस इज इट खत्म सुनाओ स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि जब मैंने पेपाल के थ्रू पेमेंट की है मैंने कहीं पर डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी कहीं पे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी कहीं पे बैंक इन्फॉर्मेशन नहीं दी और मजे की बात कहीं पे शिपिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी रीजन ये सारी की सारी चीजें मैंने पेपाल में रजिस्ट्रेशन करते वक्त और वन टाइम अकाउंट लिंक करते वक्त दे दी थी तो वो जो पेपाल रजिस्टर करते वक्त मेरी ई एड्रेस था वो हम देखते हैं अभी वो बेसिकली मेरे यहां पे आई बन गया दिस इज इट एंड यू कैन सी हाउ सिंपल स्लीक एंड ईजी इट इज टू इफ योर इफ़ योर शॉपिंग इज अनेबल्ड थ्रू पेपाल तो ये बड़ा एक सिक्योर फास्ट भी है और ईजी तरीका है पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट सेंड करने का एंड रिसीव करने का